गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने जो पादपों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, तने को लेकर, शाखन को लेकर, तो वो विविधताओं को हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है टिश्यूज, ऊतक तंत्र, ऊतक एंड ऊतक तंत्र। तो यहाँ पर जो ऊतक होते हैं वो ऊतक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चाहे हम रूट को लें, चाहे हम फ्रूट को लें, रूट है, स्टेम है, लीव्स, एनीवन कोई भी पादप प्लांट है, पादप प्लांट का पार्ट है, तो जितने भी ये पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, यहाँ पर इन सभी पार्ट के अंदर एक सबसे छोटी यूनिट होती है, इनके निर्माण करने वाली एक सबसे छोटी यूनिट होती है, और वो यूनिट जो होती है वो यूनिट कहलाती है सेल, वो यूनिट सेल कहलाती है। और दो सेल आपस में ये प्लांट की कोई एक सेल है, दूसरी ये प्लांट की कोई सेल है, ये दोनों सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और जिससे जुड़ी हुई होती हैं उसे कहते हैं मिडिल लैमेला, मध्य पटलिकाएं। तो यहाँ पर किसी भी अंग को लें या तंत्र को लें, किसी भी अंग या तंत्र को लें, सभी अंग तंत्र की जो सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, सेल या एक विशेष प्रकार के जिसको हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, मिडिल लैमेला से आपस से जुड़ी हुई होती हैं, और बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ करके इसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। तो अगर हम ऊतक की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर टिश्यू की, ऊतक की डेफिनेशन क्या होगी, ऊतक की परिभाषा क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकार की सेल्स का समूह जो एक ही कार्य को संपादित करता है, समान प्रकार की सेल्स का समूह जो एक ही कार्य को संपादित करता है वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। अब यहां ऊतक के लिए समान प्रकार की सेल्स हैं, तो एक डेफिनेशन ये भी आती है कि एक से अधिक प्रकार की सेल्स का समूह ऊतक कहलाता है। तो यहां पर तो समान और अभी के बोल रही हूं कि एक से अधिक प्रकार की, तो स्टूडेंट्स समान प्रकार की अगर सेल्स हैं तो इस प्रकार का ऊतक कहलाएगा सरल ऊतक, और एक से अधिक प्रकार की सेल्स का जो ग्रुप होता है और जो एक ही कार्य का संपादन करता है ये कहलाता है जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक कहलाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के हम एक डेफिनेशन ये भी तो कह सकते हैं कि उत्पत्ति में
उत्पत्ति में समान, उत्पत्ति में समान विभिन्न प्रकार की सेल्स का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। तो यहां पर हमने एक ऊतक को कई प्रकार से डिफाइन कर दिया, कई प्रकार से बता दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि समान प्रकार की सेल्स का समूह ऊतक कहला रहा है, एक से अधिक प्रकार की सेल्स का समूह ऊतक कहला रहा है। तो अगर सेल्स एक प्रकार की हैं तो वो सरल, एक से अधिक प्रकार की हैं तो वो जटिल। और कॉमनली जो हम डेफिनेशन दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति में समान, उत्पत्ति में समान एक ही प्रकार की, सॉरी, उत्पत्ति में समान एक से अधिक प्रकार की सेल्स का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। ये तो रही ऊतक की डेफिनेशन। यहां हमने इनके कार्य के आधार पर, इनकी आकार आकृति कार्य के आधार पर, इनके संगठन के आधार पर ऊतकों को तीन भागों में डिवाइड किया है। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और तीसरा होता है सीक्रेट रिच टिश्यू। मेरिस्टमैटिक विभिजोतकी, परमानेंट स्थाई, और सीक्रेटरी स्रावी। ये होता है विभिजोतकी। तो यहां पर तीन प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड सीक्रेटरी टिश्यू। यहां पर जो परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं, इन परमानेंट टिश्यू को वापस से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, साधारण टिश्यू ऊतक और जटिल ऊतक। जो साधारण ऊतक हैं, इन साधारण ऊतकों को वापस से यहां तीन भागों में बांटा गया है। तो ये होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मृद ऊतक, कोलेन्काइमा स्थूल कोण ऊतक, और स्क्लेरेन्काइमा ढण ऊतक। तो सिंपल टिश्यू तीन प्रकार का पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार का पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार का पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। सीक्रेटरी टिश्यू भी दो प्रकार का पाया जाता है,
एक्सटर्नल सीकेटरी स्ट्रक्चर और इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर। बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतः स्रावी संरचनाएं, यहां पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कुछ बाहर की कोशिका से बाहर श्रावण करती हैं, कुछ कोशिकाओं के अंदर श्रावण करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर टिश्यू को हमने इन तीन भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है और इनको भी फिर यहाँ अलग अलग इनका डिवाइडेशन किया है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू समान प्रकार की सेल्स से ही मिलकर निर्मित होता है। यहां पर विभिन्न प्रकार की सेल्स नहीं पाई जाती, समान प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर समान प्रकार की सेल्स मिलकर के एक ही कार्य का संपादन करती हैं। तो अब इसके हम फीचर्स देखते हैं, इसके मेरिस्टमेटिक टिश्यू की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी इस जो टिश्यू की जो खासियत होती है वो होती है कि यह हमेशा इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो सेल्स हमेशा ही विभाजन की अवस्था में रहती है। तो इसमें उपस्थित जो सेल्स होती हैं, हमेशा विभाजन की अवस्था में रहती हैं। इन सेल्स में निरंतर विभाजन होते जाते हैं। और इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं, जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इलेवेंथ में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जो सेल्स होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं। इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सघन होता है, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म सघन होता है। यहां पर जो केंद्रक पाया जाता है, जो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। यहां न्यूक्लियस आकार में बड़ा है, सेल्स छोटी है, साइटोप्लाज्म अधिक है। तो ये तीनों ही ऐसी कंडीशन है जो सेल्स को विभाजन के लिए प्रेरित करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर कोशिका में सेल के अंदर रिक्तिका एब्सेंट होती है, रिक्तिका एब्सेंट होती है। यहां अंतर कोशिकीय स्थान एब्सेंट होते हैं। तो जो सेल्स का वो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, इस प्रकार से सेल्स एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से अरेंज होती है, समव्यासी होती है। इसका मतलब आकार समान होता है, समव्यासी होती है, अंतर कोशिकीय स्थान एब्सेंट होते हैं। तो
सारे के सारे फीचर्स ही इन सेल्स को विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी दो प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पर। एक तो होता है प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। जो एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले जो एम्ब्रियो में उपस्थित होता है वो तो होता है प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और इसके बाद में जब एम्ब्रियो ग्रोथ करने लगता है तो बाद में ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। यहाँ पर तरुण अवस्था भी कह सकते हैं कि जो तरुण अवस्था में यहाँ प्रेजेंट होता है वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, इस टिश्यू का एक ही काम है, लगातार विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। यहाँ कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती हुई चली जाती है। दूसरा आता है स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, जो ये स्थायी ऊतक होता है, मेरिस्टमेटिक सेल्स ने लगातार विभाजन करके सेल्स की संख्या को बढ़ा दिया, सेल्स की संख्या बढ़ गई। अब इन सेल्स के अंदर यहां पर कार्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और उनके आकार के आधार पर, स्थिति के आधार पर या विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं। सेल्स जो बनी है, तो जैसे यहाँ पर कोई भर्ती की प्रक्रिया हो रही है और भर्ती करने के बाद में उनको विभिन्न क्षेत्रों को अलॉट कर दिया जाता है कि ये इस क्षेत्र के लिए है, ये उस क्षेत्र के लिए है। ऐसे ही यहाँ पर सेल्स भर्ती हो गई, उनका निर्माण हो गया, अब उनको विभिन्न कार्यों के लिए बॉडी के अंदर विभिन्न जगह पर बॉडी के अंदर उनको विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित कर दिया जाता है। तो स्थायी ऊतक में क्या होता है कि स्थायी ऊतक में अब सेल्स के कार्यों का बंटवारा स्टार्ट हो जाता है। तो स्थायी ऊतक के का निर्माण कब होता है, जब सेल्स, जब जो कोशिका है ये कोशिका अपना निश्चित आकार और आकृति, अपनी निश्चित आकार और आकृति ग्रहण कर लेती है, उसके बाद में यहां पर स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। क्योंकि जब स्थायी ऊतक का निर्माण होता है तो ये सेल्स या तो विभाजन नहीं करती, इनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, इनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, और पाई भी जाती है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में। यहाँ पर सेल्स के अंदर कुछ विशेष परिस्थितियों में विभाजन होगा, वरना यहाँ पर विभाजन की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इस स्थायी ऊतक को भी सेल्स के समूह के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जो एक समान सेल्स से निर्मित होती है, जो समान सेल्स से उससे निर्मित होता है ऊतक वो तो कहलाता है साधारण, और जो एक से अधिक प्रकार अधिक सेल्स से मिलकर बनता है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। तो यहां पर इनके जो सेल्स की उत्पत्ति, सॉरी सेल्स का जो कार्य है या उनकी जो आकृति है, आकार है, उनके आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं।
बिल्कुल समान सेल्स हैं, एक ही प्रकार की हैं, तो उनसे साधारण और एक से अधिक प्रकार की हैं, आकार आकृति में परिवर्तन है, उनके शेप में परिवर्तन है, तो वो कैसे होंगी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करेंगी, कार्य एक ही संपादित करेंगी मिलकर के, ऐसे यहाँ भी कार्य एक ही संपादित करेंगी। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यू का यहाँ पर निर्माण होता है। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ सिंपल टिश्यू। साधारण ऊतक भी कितने प्रकार का बताया था? तीन प्रकार का, मृद ऊतक, स्थूल मोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। तो यहां पर साधारण ऊतक का जो बंटवारा होता है, ये बंटवारा होता है विभिन्न प्रकार के स्थूलनों के आधार पर, कोशिका की आकार आकृति तो है इनके स्थूलनों के आधार पर। सबसे पहले जो बात करते हैं साधारण ऊतक में, वो बात करते हैं हम पैरेन्काइमा की। यहां पर जो पैरेन्काइमा पाया जाता है, मृद ऊतक जो पाया जाता है, इस मृद ऊतक की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स प्राइमरी केवल प्राइमरी सेल वॉल से कवर्ड होती है, इनके चारों तरफ केवल प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। और इनका निर्माण किससे होता है इस प्राइमरी सेल वॉल का? सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम के पैक्टेट से यहां पर इनका निर्माण होता है। यहां सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसका मतलब स्थूलन नहीं पाया जाता, स्थूलन नहीं पाया जाता, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। अब ऐसा कुछ है तो सेल कैसी होगी? कोमल, मुलायम, लचकदार, कोशिका कोमल होगी, मुलायम होगी, लचकदार होगी, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ नहीं पाई जाती, स्थूलन नहीं पाया जाता, तो इसलिए यहाँ इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, इस पैरेन्काइमा टिश्यू में पाए जाने वाली जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स गोलाकार, आयताकार, ताराकार, छणाकार, और भी कई, हेक्सागोनल, षटकोणीय, विभिन्न स्वरूपों की पाई जाती हैं। सेल्स के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान, अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, सेल्स के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। ये मान लिया कोई सेल है, यहां दूसरी सेल आ गई, यहां ये तीसरी सेल आ गई, यहां ये चौथी सेल आ गई, तो ये क्या है? इंट्रा सेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय स्थान। लेकिन स्टूडेंट्स, कहीं कहीं इनकी आकृति जैसे आयताकार मिल रही है, तो आयताकार में इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। जब हम कॉर्टेक्स पढ़ते हैं सेकेंडरी अंग में, खूब आप लोगों ने पढ़ा है कॉर्टेक्स को, जब हमने इंटरनल संरचना पढ़ी थी, इनके स्ट्रक्चर पढ़े थे,
तो सेल्स कैसी होती हैं कॉर्टेक्स के अंदर, इस प्रकार से जमी हुई होती हैं, होती है नहीं होती? तो इनके अंदर किसी भी प्रकार के इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। तो यहाँ अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म मिलता है, ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है? विरल होता है, सघन नहीं पाया जाता। यहाँ विरल प्रकार का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, केवल यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल है, तो ये कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से, एक कोशिका दूसरी कोशिका से प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा जुड़ी होती है, जीव द्रव्यी तंतु प्लाज्मोडेस्मेटाओं के द्वारा जुड़ी हुई होती है। यहाँ एक कोशिका का साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिका के साइटोप्लाज्म के साथ में प्लाज्मोडेस्मेटाओं के द्वारा कॉन्टैक्ट में रहता है। अब पैरेन्काइमेटस टिश्यू को इनकी उपस्थिति के आधार पर कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं है, इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।